18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आज बांदा में पुलिस अधीक्षक बांदा के निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अमोह थाना प्रभारी व टीम की संयुक्त टीम ने भूरागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में जयमान महेश्वरी तेल मिल में चलाई जा रही अवैध तमाकू सुपारी व गुटखा फैक्ट्री को छापा मारकर फैक्ट्री चला रहे बड़ा बाबू उर्फ सुरेंद्र व सुग्रीव कुशवाहा को मौके से गिरफ्तार किया गया। इसकी तलाशी लेने पर भारी मात्रा में तमाकू सुपारी पैकिंग मशीन व भारी मात्रा में पैक गुटखा पाउच अन्य गुटखा निर्माण सामग्री भी मिली जिसकी लागत लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने अपराधियों पर संबंधित धारा 62, 19, 419, 420, 468, 272, 273 में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। इस खुलासे के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आज मुखबिर की सूचना पर मधौत थाना बस टीम की संयुक्त टीम ने छापेमारी करके अवैध गुटखा फैक्ट्री के साथ दो अभियुक्त मशीन पर तैयार गुटखा भारी मात्रा में सामग्री जब्त की है। पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा लिख उन्हें जेल भेजा दिया गया है। हमारी मटौंद की पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर के हमारे भूरागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में जय मां महेश्वरी तेल मिल है उसके परिसर में अवैध रूप से गुटखा फैक्ट्री चल रही थी। उस पर इन दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से छापा मार करके आज सवेरे दो लोगों को बड़ा बाबू सुरेंद्र रोहड़ा और सुग्रीव कुशवाहा इन दोनों लोगों को वहां से पकड़ा है और मौके से काफ़ी मात्रा में गुटखा बनाने का सामान उसके रैपर उसकी मशीन लगभग 2 लाख रुपए की होगी उसको सीज किया है और इस पर मुकदमा कायम किया गया है 62/19, 419/20, 468, 272 और 273 IPC का। और प्राइम 18 न्यूज के लिए बांदा से इमरान खान की रिपोर्ट।